दोस्तों नमस्कार। देखिए आज मुहर्रम मनाने वाले लोग जो कि आज 40वां जो त्यौहार मना रहे हैं, काफ़ी धूमधाम से यहाँ का जो त्यौहार मनाया पूरी बनगम में त्रियामूर्ति के सामने चौराहे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों को पानी और बिस्कुट का इंतजाम किया गया है और लीची पानी का भी व्यवस्था किया गया है। सभी लोग इसे पानी और बिस्कुट का जो कि उपयोग व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं और दोस्तों बहुत अच्छी बात है जो एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं और हुरमत बर्बाद क्यों कर रहे हैं? दोस्तों इस तरह से लोग यहाँ पर लगातार अपना अपना सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सके, इसलिए लोग यहाँ पर अपने अपने सहयोग के अनुसार और सुरक्षा कर्मियों के साथ शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहे हैं। दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी कहाँ बंद जुलूस वहाँ तो घंटा पहले रास्ता बंद होगा। दोस्तों देखिए बहुत ही काफ़ी देर बाद मन गया इस वक्त दोस्तों देखिए बहुत ही काफ़ी भीड़ हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने इस कार्यक्रम को अंजाम देने में लगे हुए हैं और जुलूस में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं आपके सहयोग से जुलूस निकल रहा है, यहाँ के तमाम लोगों का शुक्रिया और आप
सबसे गुजारिश है कि आप आगे रहेंगे, मस्तूरा से गुजारिश है सब मस्तूरा पीछे होंगे और आगे कोई नहीं चलेगा। जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कहेगा चलने के लिए, हम कानून के दायरे में हैं, लिहाजा हमें इससे बिल्कुल अमल करना है ताकि हमारी वजह से किसी को भी सहमत हो परेशानी ना हो। तो बेहतर समझ रहे होंगे कि हमें कभी किसी और सड़क को पानी कर देना है, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ राष्ट्रपति की एक आवाज़ है लखनऊ की और हुसैन की, जो कर्बला में इमाम हुसैन ने अपने गुरबानों की कुर्बानी देकर एक दर्द, एक संस्कृत, एक तहजीब, एक कल्चर और एक आदर्श को दुनिया के सामने पेश किया है और ये बताया है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, लिहाजा इंसानियत जरूरी है और उसी इंसानियत का पैगाम लेकर हम कर्बला वालों की शहादत को याद करते हुए सड़कों पर निकले हैं। लखनऊ क्या है है।